नमस्कार। आज हम बनाएंगे सोयाबीन की सब्जी। ये बहुत अच्छी बनती है और बनके जल्दी तैयार हो जाती है, तो आप इसे सुबह जल्दी बना सकते हैं टिफ़िन के लिए। ये फटाफट बन जाती है। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, उसमें पानी लेंगे, उसमें हम सोयाबीन डालेंगे और जब एक उबाल आ जाएगा तो हम गैस को बंद कर देंगे और इन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। हम एक पैन में तेल लेंगे। जब ये तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे मीडियम साइज का। इसे हम चला लेंगे और थोड़ा ब्राउन हो जाने देंगे। जब ये थोड़ा पक जाएगा उसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे। लहसुन के साथ मैंने थोड़ी सी अदरक भी क्रश कर ली थी, वो भी मैंने साथ में इसी में डाल दी। एक मिनट बाद हम इसमें सारे मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, काली मिर्च पाउडर, और गरम मसाला पाउडर, और इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। और यहाँ पर हम एक टमाटर डाल देंगे बारीक काट के, जिसकी जो स्किन है टमाटर की वो मैंने निकाल दी थी, वो इजीली निकल जाती है। उससे क्या होता है, जो टमाटर हैं वो अच्छे से मिल जाते हैं सब्जी में, अच्छे से पिघल जाते हैं और उसमें छिलके नहीं रहते अलग से। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे मसाले में और मसाले को हम पकने के लिए छोड़ देंगे ढक के। थोड़ी थोड़ी देर में हम इसे चेक करते रहेंगे। इसमें हम नमक भी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिला लेंगे। मसाला भी अच्छे से पका नहीं है तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी और डाला, क्योंकि वो चिपकने लग गया था। और इसको हम ढक के फिर से पकाएंगे। हम फिर से चेक करेंगे, तेल है वो बिल्कुल अलग हो चुका है और टमाटर भी अच्छे से गल चुके हैं इस टाइम पर। थोड़ा सा हम हरा धनिया डाल देंगे मसाले के अंदर, और थोड़ा सा हम लास्ट में डालेंगे, उसके लिए भी हम हरा धनिया रख लेंगे अलग से। सोयाबीन है वो गल गए थे, इसको मैंने अच्छे से दो तीन बार वॉश किया ठंडे पानी से, और सोयाबीन है उनको हम अच्छे से दोनों हाथ से स्क्वीज करके सारा पानी निचोड़ के उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे मसाले के अंदर। दोनों हाथ से इनका पानी है वो अच्छे से निकाल दें। और सारे सोयाबीन हम सब्जी मसाले में ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें इसे अच्छे से मिला लेंगे। जब मसाले की कोटिंग है अच्छे से हो जाए सोयाबीन पर, जब तक हमें इसे मिलाना है, और उसके बाद हमें इसे ढक देना है और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकाना है। अब मसाला है वो नीचे लगने लग गया। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा डालेंगे, ताकि जो जितना हमें पानी रखना है तब तक हम इसे पकाएंगे। अभी पानी है वो बहुत ज़्यादा है, अब इसे हम पकने देंगे अच्छे से तेज आंच पर, ताकि जो मसाले हैं वो सोयाबीन में अंदर अच्छे से चले जाएं और पानी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसमें। लास्ट में हम इसमें हरा धनिया डालेंगे। सब्जी है वो बनके तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।